हेलो फ्रेंड्स, आज हम चलते हैं मॉडल्स के दुनिया में। मॉडल्स के दुनिया में हम देखेंगे कैन, कूड, मे, माइट, मस्ट, नीड, ऑट टू, यूज टू, डेयर, ये सारे का यूसेस हम एक एक करके देखते चले जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं कैन के दुनिया में। यूसेस ऑफ कैन, यूसेस ऑफ कैन, चार कैन का यूसेस है, उसको याद रखना है। कौन कौन सा? एबिलिटी के लिए यूज होता है, परमिशन के लिए यूज होता है, थियोरिटिकल पॉसिबिलिटी और नेचर के लिए। चार यूसेस कैन का याद रखना है। एक एक एग्जाम्पल से हम लोग जरा देख लें। वन, ही कैन लिफ्ट द बॉक्स। अब ही कैन लिफ्ट द बॉक्स, सामने वाले के एबिलिटी के बारे में, क्षमता के बारे में बात की जा रही है। किससे? कैन से। तो ही कैन लिफ्ट द बॉक्स एबिलिटी को शो कर रहा है। जो क्वेश्चन नंबर टू है, यानी कि एग्जाम्पल टू है, यू कैन गो नाउ, गिविंग परमिशन। अगर हम परमिशन किसी को देते हैं उसको, इसमें कैन का यूज होता है, यू कैन गो नाउ। और फिर टेकिंग परमिशन इनफॉर्मल, इनफॉर्मल यानी कि हम अपने रिश्तेदार, अपने घर के किसी मेंबर्स वगैरह से, फ्रेंड्स वगैरह से अगर परमिशन मांगते हैं उस केस में हम कैन का यूज करते हैं, कैन आई गो टू प्ले। ये हो गया इनफॉर्मल से, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस, यानी कि थियोरिटिकल पॉसिबिलिटी, यानी कि संभावना, ज़्यादातर संभावना वैसा होता है, उसी को थियोरिटिकल पॉसिबिलिटी कहते हैं। उस केस में भी हम कैन का यूज करते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस, अगर कोई कह रहा है इलेक्ट्रिसिटी मे बी डेंजरस, नहीं, तो मॉडल्स के रूल के अनुसार वो गलत है। थियोरिटिकल पॉसिबिलिटी में हम कैन का यूज करते हैं। और नेक्स्ट है कि किसी के नेचर या किसी के हैबिट के बारे में अगर बात करते हैं तब भी हम कैन का यूज करते हैं। जैसे अ डिसऑनेस्ट मैन कैन डिसीव एनीवन, अ डिसऑनेस्ट मैन कैन डिसीव एनीवन, डिसीव एनीवन, किसी को ठग सकता है, डिसीव कर सकता है, उसका नेचर ही है, उसका हैबिट ही है। किसका हैबिट है? अ डिसऑनेस्ट मैन का। तो किसी के नेचर, किसी के हैबिट या थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी या परमिशन अगर लेना है इनफॉर्मल में, या परमिशन हम दे रहे हैं या एबिलिटी की बात कर रहे हैं, उस केस में हम कैन का यूज़ करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कुड का यूज़। फिर से अब हम कुड का यूज़ को देखते हैं। यूसेस ऑफ कुड, फिर चार यूसेस है इसका। कौन कौन सा? एक है इनडायरेक्ट नरेशन में, कैन अगर इनडायरेक्ट नरेशन में है, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट करने समय कैन को कुड में किया जाता है। इसके साथ साथ कुड का सेकंड यूज है पास्ट एबिलिटी, जो पहले कोई क्षमता रही हो उसके बारे में बताने के लिए। फिर अगर किसी को रिक्वेस्ट करते हैं लेकिन पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं, उस केस में भी कुड का यूज होता है। और लास्टली पॉसिबिलिटी, संभावना, जो कि हुआ नहीं, अगर होता, यानी कि अनरियल सिचुएशन, उस केस में पॉसिबिलिटी है, फिर भी हम कुड का यूज करते हैं। एक एक एग्जाम्पल के साथ देखें। He said I can run very fast. अब he said I can run very fast, ये हमारा डायरेक्ट नरेशन हो गया। इस डायरेक्ट नरेशन को जब इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते हैं तो he said that, और फिर can को हमने क्या कर दिया? Could में चेंज कर दिया। He said that he could run very fast, यानी इनडायरेक्ट नरेशन जो पहला यूज था इनडायरेक्ट नरेशन could का, वो है। सेकेंड हम देखते हैं, When I was young, I could lift heavy boxes, ये पास्ट एबिलिटी के लिए, क्योंकि when I was young, जब मैं यंग था, यानी पास्ट की बात है, तब मैं हैवी बॉक्सेस को लिफ्ट कर लिया करता था, यानी कि यह पास्ट एबिलिटी को शो करने के लिए फिर हम कुड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है कुड यू हेल्प हर प्लीज, ये प्लीज़ दर्शा रहा है पोलाइट रिक्वेस्ट, और पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम फिर क्या किए हैं? कुड का यूज़ किए हैं, कुड यू हेल्प हर प्लीज, पोलाइट रिक्वेस्ट हो गया। और लास्ट है कि If he had money, he could buy a car. If he had money, यानी उसके पास पैसे अगर होते, यानी थे नहीं, यानी कि अनरियल सिचुएशन है, उस केस में उसका रिजल्ट को दर्शाने के लिए फिर हम could का यूज करते हैं। If he had money, he could buy a car. तो यही चार यूसेस हमारा could का है। एक कौन सा है? इनडायरेक्ट नरेशन, दूसरा पास्ट एबिलिटी, तीसरा पोलाइट रिक्वेस्ट, और चौथा पॉसिबिलिटी, जो कि अनरियल सिचुएशन है। इसके बाद हम फिर देखते हैं यूसेस ऑफ मे को। यूसेस ऑफ मे, अब यूसेस ऑफ मे में देखेंगे पांच यूसेस है। परमिशन, पॉसिबिलिटी, ऑप्टेटिव सेंटेंस यानी विश या कर्स वाला सेंटेंस हो, पर्पस ऑफ एक्शन हो, या अनसर्टेनिटी सरप्राइज के साथ हो, उस केस में हम मे का यूज करते हैं। एक एक एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। मे आई गो आउट सर, परमिशन अगर हम मांगते हैं, खास करके फॉर्मल परमिशन, उस केस में मे से स्टार्ट करते हैं, मे आई गो आउट सर। नेक्स्ट है शी मे कम इन द इवनिंग, पॉसिबिलिटी, संभावना की बात होती है, और ये भी संभावना कितना, अगर संभावना 50-50 हो, यानी कि होगा या नहीं होगा, अनसर्टेन है, 50-50 चांसेस है, उस केस में पॉसिबिलिटी में हम मे का यूज करते हैं। सो दैट इज मे ही, दैट इज शी मे कम इन द इवनिंग, पॉसिबिलिटी को दर्शा रहा है। नेक्स्ट है ऑप्टेटिव सेंटेंस, मे ही गेट सक्सेस, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस को शो कर रहा है, यानी कि विश और कर्ज वाले सेंटेंस को भी हम मे से स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है ही वर्क्स हार्ड सो दैट ही मे अर्न अलॉट, ये पर्पस ऑफ एक्शन है,
ही वर्क्स हार्ड, ये वर्क्स हार्ड क्यों कर रहा है, वर्क इतना क्यों कर रहा है, पर्पस क्या है, तो पर्पस को बताने के लिए मे का यूज करते हैं। ही में अर्न पर्पस है, अर्न करना, तो पर्पस के लिए मे का यूज यहाँ पर करते हैं। और नेक्स्ट है हाउ ओल्ड ही मे बी, अगर कोई सामने खड़ा है और उसके उम्र का पता नहीं चल रहा है तो थोड़ा आश्चर्य से अगर उसके बारे में पूछ रहा है उस केस में भी हम मे का यूज करते हैं, हाउ ओल्ड ही मे बी, आफ्टर दैट वी हैव मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। अब चलते हैं मे के बाद हम माइट का यूसेस देखते हैं। जहाँ तक मॉडल्स में माइट के यूसेस की बात है, देखते हैं एक एक करके माइट को हम इनडायरेक्ट नरेशन में माइट यानी मे को माइट में चेंज कर देते हैं। लेस पॉसिबिलिटी हो, संभावना हो लेकिन कम हो, काफ़ी कम हो, तब भी हम माइट का यूज़ करते हैं। अगर किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं पोलाइट होके, उस केस में भी माइट का यूज़ करते हैं। और फिर सपोजिशनल सेंटेंस, अगर कोई सपोजिशन करके उसका रिजल्ट की बात करते हैं फिर भी हम माइट का यूज़ करते हैं। एक एक करके एग्जाम्पल से हम देख लें। पहला शी सेड आई मे गो, ये डायरेक्ट नरेशन हो गया। जब इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते हैं शी सेड दैट शी माइट गो, यानी हम क्या देखते हैं, मे को हमने माइट में चेंज कर दिया। तो पहला यूज हो गया मे को माइट चेंज करना, कब, इनडायरेक्ट नरेशन में। दूसरा कि इट माइट रेन टुडे, बारिश होने की संभावना है लेकिन काफ़ी कम है, उस केस में हम फिर माइट का यूज़ करते हैं या इट माइट रेन। अगर कोई कहेगा इट मे रेन टुडे यानी 50-50 चांसेस है रेन होने का, लेकिन इट माइट रेन टुडे यानी काफ़ी कम संभावना है, उस केस में हम माइट का यूज़। नेक्स्ट है माइट आई हैव अ लीव, यानी पोलाइट रिक्वेस्ट, अगर किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं पोलाइट होकर के, उस केस में भी हम माइट का यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट हो गया कि सपोजिशनल सेंटेंस, इफ ही वर्क हार्ड, सपोज किया जा रहा है कि अगर वो मेहनत करी, मेहनत किया होता तो उसका जो रिजल्ट है, उस रिजल्ट में भी हम माइट का यूज करते, ही माइट सक्सेस। तो ये हमारा हो गया माइट का इनडायरेक्ट नरेशन, लेस पॉसिबिलिटी, पोलाइट रिक्वेस्ट और सपोजिशनल सेंटेंस में माइट का यूज करते हैं। अब इसके बाद फिर हम देखते हैं मस्ट का यूज। चलिए अब मस्ट को देखते हैं, मॉडल्स में जो मस्ट है उसका यूजेस देखते हैं। स्ट्रॉन्ग सजेशन एक हो गया, सजेशन टू ऑबे रूल्स एंड रेगुलेशंस दूसरा हो गया, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन तीसरा हो गया, स्ट्रॉन्ग लाइकलीहुड चौथा हो गया, और इनएविटेबल अगर कोई अवश्य होना ही है जिसको रोका नहीं जा सके, उस केस में भी हम मस्ट का यूज करते हैं। एग्जाम्पल्स के साथ देखते हैं। एक एग्जाम्पल, यू मस्ट रन फास्ट टू कैच द ट्रेन, यहाँ पर हमने मस्ट का यूज किया, शुड का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग सजेशन है कि अगर तेज नहीं दौड़ता है तो ट्रेन के छूटने की संभावना है, तो स्ट्रॉन्ग सजेशन के लिए मस्ट का यूज करेंगे, शुड का यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट है यू मस्ट ओबे द ट्रैफिक रूल्स, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस के लिए फिर शुड का यूज नहीं करेंगे। अगर कोई कह रहा है कि यू शुड ओबे द ट्रैफिक रूल्स, गलत हो गया, क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशंस को ओबे करने के लिए सजेशन देना है, तो मस्ट का यूज करते हैं। नेक्स्ट है यू वी मस्ट फॉर्मली डील विद टेररिस्ट, अगर स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन पक्का इरादा की बात कर रहा है, अगर गवर्नमेंट पक्का इरादा लेकर के टेररिस्ट को खत्म नहीं करेगा तो नहीं होगा, तो स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन को शो करने के लिए मस्ट का, वी मस्ट फॉर्मली डील विद द टेररिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट है यू मस्ट हैव विजिटेड आगरा, स्ट्रॉन्ग लाइकलीहुड, ज्यादा संभावना को दर्शाने के लिए भी हम क्या करते हैं, मस्ट का यूज करते हैं। यू मस्ट हैव विजिटेड आगरा, ज्यादा संभावना है कि तुम आगरा घूम चुके होगे, विजिट किए होगे। नेक्स्ट है वी मस्ट ऑल डाई वन डे, ये वी मस्ट ऑल डाई वन डे, सबको एक न एक दिन मरना ही है, इनएविटेबल है, अवश्य होना है, इसको रोका नहीं जा सकता है, उसको भी दर्शाने के लिए हम मस्ट का यूज करते हैं। अब हम इसके बाद फिर आगे मॉडल्स को देखते हैं। चलिए हम देखते हैं अब शुड का यूज, यूसेज ऑफ शुड। पहला सजेशन, अगर किसी को सजेशन देते हैं उस केस में शुड का यूज, पास ड्यूटी को दर्शाने के लिए शुड का यूज, पॉसिबिलिटी को दर्शाने के लिए शुड का यूज, लेस्ट LEST लेस्ट अन्यथा लेस्ट के साथ भी जो अगला जो मॉडल्स है वो शुड का यूज होता है। फॉर्मल इंस्ट्रक्शंस अगर किसी को देते हैं, फॉर्मल नोटिस देते हैं, उसमें भी शुड का यूज करते हैं। और टू एक्सप्रेस कंडीशन, कंडीशन को, शर्त को भी दर्शाने के लिए शुड का यूज किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यू शुड रीड केयरफुली, सजेशन देते हैं यहाँ पर यू शुड रीड केयरफुली, तो शुड का यूज करते हैं। नेक्स्ट वन, ही शुड हैव अटेंडेड द मीटिंग यस्टरडे, पास्ट ड्यूटी था किसका, ही का, क्या करना, अटेंड करना, क्या चीज, मीटिंग को, तो पास्ट ड्यूटी को यूज करने के लिए, शो करने के लिए फिर हम शुड का यूज यहां पर कर दिए, और इसके साथ हैव लग गया तो पास्ट को दर्शा रहा है। नेक्स्ट वन, आई थिंक ही शुड कम टूडे, पॉसिबिलिटी, संभावना की बात है कि आज उसके आने की संभावना है, संभावना को शो करने के लिए भी हम शुड का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, लेस्ट अन्यथा, अदरवाइज के सेंस में आ जाता है, लेस्ट के साथ भी हम शुड का यूज करते हैं। जनरली जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसमें क्या कर देता है, वर्क हार्ड लेस्ट यू विल फेल, तो सुनने में तो सही लग रहा है, लेकिन जो रूल्स है मॉडल्स का उस केस में लेस्ट के साथ हम शुड का यूज करते हैं। नेक्स्ट है कैंडिडेट शुड आंसर ऑल क्वेश्चंस, अगर आप
एग्जाम्स वगैरह देते हो तो उसमें देखोगे जो इंस्ट्रक्शंस बिगनिंग में दिया जाता है उसमें एक इंस्ट्रक्शन ये भी हो सकता है, कैंडिडेट शुड आंसर, मस्ट आंसर नहीं, शुड आंसर ऑल क्वेश्चंस, ये फॉर्मल इंस्ट्रक्शंस या नोटिसेज वगैरह में यूज किया जाता है। और लास्ट है शुड ही नॉट कम, व्हाट शैल वी डू, हम क्या करेंगे कब अगर वो नहीं आएगा, अगर वो हमारी मदद नहीं करता है, शुड ही नॉट हेल्प अस, व्हाट शैल वी डू, तो यहाँ ये कंडीशन को दर्शा रहा है और कंडीशन को दर्शाने के लिए भी हम शुड का यूज करते हैं। तो ये हो गया हमारा शुड का। इसके बाद हम देखते हैं फिर वुड का यूसेस, यूसेस ऑफ वुड। अब यूसेस ऑफ वुड जो मॉडल्स है उसको देखेंगे। पहला यूज इनडायरेक्ट नरेशन में विल को हम वुड का यूज करते हैं, पास्ट हैबिट को दर्शाने के लिए भी वुड का यूज करते हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी वुड का यूज करते हैं, प्रोबेबिलिटी संभावना को दर्शाने के लिए वुड का यूज करते हैं, विश की बात करते हैं तब भी वुड का यूज करते हैं, प्रेफरेंसेस अगर प्रेफरेंसेस की बात करते हैं कि इससे प्रेफरेंसेस उसको ज़्यादा देते हैं तब भी हम वुड का यूज करते हैं, और पास्ट कंडीशनल क्लॉज में भी वुड का यूज करते हैं। एक एक एग्जाम्पल के साथ उसको देखें। फर्स्ट है ही शेड आई विल गो, ये कौन सा हो गया, इनडायरेक्ट नरेशन है डायरेक्ट, तो डायरेक्ट नरेशन हो गया। जब इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते हैं ही शेड दैट ही वुड गो, यानी विल को हमने वुड में चेंज कर दिया पास्ट में। सेकेंड है गांधी जी वुड स्पिन एवरी मॉर्निंग, पास्ट हैबिट गांधी जी के पास्ट हैबिट को दर्शा रहा है, वो भी किससे, वुड से दर्शा रहा है। नेक्स्ट है वुड यू हेल्प मी प्लीज, अगर पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं उसमें भी वुड का यूज करते हैं। नेक्स्ट है ही वुड बी रवीज फ्रेंड, यानी प्रोबेबिलिटी, कोई सामने खड़ा है जिसको हम पहचान नहीं रहे लेकिन एक संभावना है कि वो रवि का दोस्त होगा, उस केस में ही वुड बी रवीज फ्रेंड, यानी वुड से हम प्रोबेबिलिटी संभावना को दर्शा रहे हैं। नेक्स्ट है वुड दैट आई वर ए बर्ड, ये विश को, वुड दैट आई वर ए बर्ड यानी कि आई विश आई वर बर्ड, तो विश को दर्शाने के लिए हम वुड का यूज यहाँ कर दिया है। ही वुड रादर डाई देन टेल अ लाई, प्रेफरेंसेज है ना, मौत और झूठ बोलने में प्रेफर किसको करेगा, मरना ज़्यादा प्रेफर करेगा, उस प्रेफर को दर्शाने के लिए हम वुड का यूज करते हैं। और लास्ट में If I were you, I would help you, यानी past conditional clause, I would help you, condition क्या था कि अगर मैं तुम होते, यानी कि पास्ट कंडीशन को दर्शाने के लिए भी हम यहाँ पर वुड का यूज़ करते हैं। तो ये सारा यूसेस हो गया हमारा वुड का। अब हम देखते हैं यूज टू और ऑट टू का। बस ऑट टू और यूज टू ये केवल दो मॉडल्स है जिसके बाद टू का यूज होता है, ऑट टू और यूज टू। तो देखें जरा यूसेस। फर्स्ट ऑट टू का वन है मॉरल ऑब्लिगेशन, नैतिक कर्तव्य वगैरह की बात करते हैं तब ऑट टू का यूज करते हैं। सेकंड है स्ट्रांग पॉसिबिलिटी, बहुत ज़्यादा संभावना हो किसी वर्क के होने का, देन ऑल्सो वी यूज ऑट टू। जैसे फॉर एग्जाम्पल वी ऑट टू रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स, ये मॉरल ऑब्लिगेशन है, कहीं कोई कॉन्स्टिट्यूशन में रूल नहीं लिखा हुआ है, मॉरल ऑब्लिगेशन है, अपनी नैतिक जिम्मेवारी है, उस केस में हम ऑट टू का यूज करते हैं। नेक्स्ट है ही ऑट टू विन द मैच, अगर उसके मैच के जीतने की संभावना प्रबल है, काफ़ी प्रबल है, इस केस में स्ट्रांग प्रोबेबिलिटी में भी हम ऑट टू का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है यूसेस ऑफ यूज टू। अब यूज टू का एक यूज़ है, वो है पास्ट हैबिट को दर्शाने के लिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल ही यूज टू वर्क फॉर आवर्स, यानी कि पास्ट में वो घंटों घंटा वर्क करता था, तो ही यूज टू वर्क फॉर आवर्स। अब जरा आप यूज टू को देखेंगे, क्योंकि इसमें भी कभी कभी जो है दिक्कत हो जाती है, खास करके जो एरर्स वगैरह में होता है। जैसे कि मैंने रूल बना दिया है, कौन सा, एस प्लस यूज टू प्लस वी वन, यानी सब्जेक्ट के बाद यूज टू अगर है उसके बाद अगर वर्ब आएगा तो वी वन आएगा, ठीक है, जिसमें यूज टू मॉडल्स का काम कर रहा है। नेक्स्ट है सब्जेक्ट के बाद अगर हेल्पिंग वर्ब आ गया और हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर यूज टू आ गया तो ये यूज टू हम मॉडल्स नहीं मानेंगे, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब तो खुद मॉडल्स होता है, यहाँ हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी पहले है इसलिए उसके बाद जो यूज टू है ये मॉडल्स नहीं, मेन वर्ब की तरह है, और उसके बाद जो मेन वर्ब आएगा अगर तो वो वी फोर के केस में आएगा। जैसे कि ही इज यूज टू वर्किंग फॉर आवर्स, ये दो एग्जाम्पल को देखना गौर से, यूज टू के बाद सीधे हम वी वन का यूज किए हैं, लेकिन इज यूज टू के बाद हम वी फोर का यूज किए हैं, ये जो अक्सर इसमें मिस्टेक हो जाता है, इस चीज़ को दिमाग में रखेगा, यूज टू के बाद सीधे वी वन, लेकिन यूज टू के पहले अगर हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जा रहा है उस केस में यूज टू के बाद हम वी फोर का यूज करते हैं। तो फिर हमने इसमें देखा क्या, ऑट टू का यूज देख लिया और यूज टू का यूज देख लिया। इसके बाद जो वीडियो हम देंगे उसमें हम जो सेमी मॉडल्स होता है उसका वीडियो अलग से मैं बना दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।